दोस्तों आज से 5 दिन पहले मैंने आपको एक वीडियो प्रोवाइड किया था, उसका एक क्लिप देखिए। इस बार इस वैकेंसी के लिए 2 अप्रैल 2024 से ऑनलाइन फॉर्म स्टार्ट होने जा रही है। तो इस वीडियो में मैं आपको बता रहा हूं कि इस बार एसएससी सीएचएसएल 2024 वाली वैकेंसी के लिए ऑनलाइन फॉर्म 2 अप्रैल से स्टार्ट होंगे। तो आज है 4 अप्रैल, जिसके बाद 2 दिन से काफी सारे लोग लगातार बोल रहे हैं कि भैया आपने बोला था कि 2 अप्रैल से फॉर्म स्टार्ट होंगे, लेकिन फॉर्म स्टार्ट नहीं हुए। आपने ऐसा क्यों बोला था? फॉर्म कब से स्टार्ट होंगे? सबसे पहली बात तो यह है कि मैंने अपनी तरफ से आपको कुछ भी नहीं बताया था, एसएससी का ही ये ऑफिशियल अपडेट था। एसएससी के एनुअल एग्जाम कैलेंडर के बेसिस पर मैंने आपको बताया था, क्योंकि उसमें ये ऑफिशियल डेट दी गई है कि 2 अप्रैल से एसएससी सीएचएसएल 2024 वाली वैकेंसी के लिए ऑनलाइन फॉर्म स्टार्ट हो जाएंगे। 1 मई फॉर्म की लास्ट डेट है, जून जुलाई में एग्जाम कंडक्ट कराया जाएगा। चलिए दोस्तों उस बात को छोड़िए, अब सवाल यह है कि 2 अप्रैल को ऑनलाइन फॉर्म स्टार्ट होने थे सीएचएसएल के, लेकिन फॉर्म नहीं आए, जिसके बाद से काफी सारे लोग बेचैन हैं, काफी सारे लोग कंफ्यूजन में हैं कि भैया फॉर्म कब से स्टार्ट होंगे। हम तो इतने दिन से वेट कर रहे हैं, इतनी मेहनत हम कर रहे हैं, हम तो डिमोटिवेट हो रहे हैं, डिसअपॉइंट हो रहे हैं, अब फॉर्म कितने टाइम बाद आएंगे, तैयारी करें या फिर ना करें। तो सबसे पहले तो आपको ज्यादा सोचने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, क्योंकि आपका फोकस केवल और केवल आपकी प्रिपरेशन के ऊपर होना चाहिए, क्योंकि यार ऑलरेडी एसएससी ने इसके रिगार्डिंग पहले ही एक ऑफिशियल अपडेट डाल रखा है, इसके रिगार्डिंग एक ऑफिशियल नोटिस आ रखा है, जिसमें सारी जानकारी एसएससी ने दे रखी है, जिसमें आने वाली एसएससी सीएचएसएल 2024 वाली वैकेंसी के बारे में बात कही गई है। साथ ही कुछ मोस्ट इंपोर्टेंट अपडेट्स भी एसएससी ने इस नोटिस में डाले हैं, जो कि सभी एसएससी एस्पिरेंट्स के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। आपके लिए इनको जानना, इनको समझना बहुत ज्यादा जरूरी है, वरना बहुत बड़ी मिस्टेक हो सकती है, बहुत बड़ा नुकसान आपको हो सकता है। इस नोटिस के थ्रू एसएससी ने सभी सीएचएसएल एस्पिरेंट से कुछ गुजारिश करी है, ठीक है? तो उसके ऊपर आपको अमल करना है, ठीक है? फॉर्म आने से पहले आपको उसका ध्यान रखना है। और हाँ, अगर आपने इस अपडेट को मिस कर दिया ना, तो आपको बहुत ज्यादा रिग्रेट फील करना पड़ सकता है, आपको पछताना पड़ सकता है। तो स्पेशल सभी एसएससी सीएचएसएल एस्पिरेंट्स के लिए ये अपडेट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो अपडेट के बारे में तो बात करेंगे, साथ ही इस वीडियो में आपके लिए कुछ इंपॉर्टेंट भी है, छोटी सी अनाउंसमेंट भी है, गुड न्यूज भी है, उसके बारे में भी आगे इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो चलिए इस नोटिस को अच्छे समझते हैं। एसएससी की ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर आपको मिल जाएगा, नई ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर मिल जाएगा। तो चलिए डिटेल से इस नोटिस को समझते हैं, इसमें क्या कहा गया है नई वैकेंसी के बारे में। तो दोस्तों पहला जो पैराग्राफ है, इसमें तो यही एसएससी ने कहा है कि जैसे कि आपको पता है 19 फरवरी 2024 से एसएससी की नई वेबसाइट लाइव है, जिसका नाम है ssc.gov.in। एसएससी के किसी भी एग्जाम से रिलेटेड अगर आपको कोई जानकारी चाहिए, वो आपको इसी वेबसाइट के ऊपर मिलेगा। हालांकि जो पुरानी वेबसाइट थी ssc.nic.in, वो फिलहाल भी एक्सेसिबल है, लेकिन उसके ऊपर आपको कोई भी नया अपडेट देखने को नहीं मिलेगा। बात करते हैं पॉइंट नंबर सेकंड के बारे में, जो कि सबसे इंपोर्टेंट है। यहां पर सीएचएसएल की वैकेंसी के बारे में बात कही गई है। All the candidates are informed that the notice for combined higher secondary level examination 2024 is to be published soon on the new website of the commission. देख रहे हो, यहां पर कहा गया कि एसएससी सीएचएसएल 2024 वाली वैकेंसी का ऑफिशियल नोटिफिकेशन जल्दी ही जारी किया जाएगा नई वेबसाइट के ऊपर। Accordingly, the applications in response to the notice will be accepted on the new website of the commission only. नई वेबसाइट के ऊपर ही फॉर्म भराए जाएंगे, क्लियर है? Candidates who wish to apply in response to this notice will be required to generate their one-time registration OTR on the new website, as the old OTR will not be functional for the new website. The candidates may complete the one-time registration as soon as possible when एडवांस बिफोर पब्लिकेशन ऑफ द नोटिस फॉर कंबाइंड हायर सेकेंडरी लेवल एग्जामिनेशन 2024। ये पॉइंट सबसे इंपॉर्टेंट है। यहां पर कहा गया है कि एसएससी सीएचएसएल का नोटिफिकेशन आने से पहले ही आपको एसएससी की नई वेबसाइट के ऊपर वन टाइम रजिस्ट्रेशन पूरा करना पड़ेगा। यहां पर एसएससी ने कहा है कि भाई फॉर्म जल्दी ही आपके आ रही है, ऑफिशियल नोटिफिकेशन सीएचएसएल का जल्दी ही जारी किया जाएगा, लेकिन उससे पहले आपको वन टाइम रजिस्ट्रेशन पूरा करना पड़ेगा नई वेबसाइट के ऊपर। जो पुरानी वेबसाइट के ऊपर आपका वन टाइम रजिस्ट्रेशन हो रखा है, वो यहां पर काम नहीं करेगा, इस बात का ध्यान रखिएगा। देखिए दोस्तों, एसएससी ने ये नोटिस इसलिए डाला है क्योंकि एसएससी सीएचएसएल 2024 वाली वैकेंसी एसएससी के थ्रू आने वाली साल की सबसे बड़ी वैकेंसी है, जिसके लिए लार्ज नंबर ऑफ एप्लीकेशन फॉर्म अप्लाई किए जाएंगे। उससे पहले सीपीओ की वैकेंसी हालांकि आ चुकी है, जेई की वैकेंसी आ चुकी है, सिलेक्शन पोस्ट फेज 12 की वैकेंसी आ चुकी है, लेकिन सीएचएसएल का क्रेज कुछ और ही है। और दोस्तों पहली जो 3 वैकेंसी जा चुकी है एसएससी की ना, उसमें एसएससी ने बहुत बड़ी प्रॉब्लम फेस करी, काफी सारे लोग वन टाइम रजिस्ट्रेशन में उलझे हुए थे। तो
इसलिए ये नोटिस डाला गया है कि भाई CHSL के फॉर्म आने से पहले अपना वन टाइम रजिस्ट्रेशन जरूर पूरा कर ले नई वेबसाइट के ऊपर। बाकी नोटिफिकेशन बहुत ही जल्दी जारी किया जा रहा है, यहां पर SSC ने कह दिया है। ठीक है, एक और पॉइंट है, ये इंपॉर्टेंट है। The application module which would be used in the notice to be published on the new website will have a provision of capturing live photograph of the candidates. This is a change from the earlier dispensation wherein the candidates were required to upload a photograph already captured. In the new application module, live photographs of the candidates will be captured for which either a वेबकैम ऑन कंप्यूटर लैपटॉप और एन एंड्रॉइड डिवाइस कैन बी यूज्ड। यानी कि जो पहले ऑफलाइन फोटोग्राफ अपलोड करते थे फॉर्म अप्लाई करते टाइम, अब वो प्रोसेस पूरा ना हो चुका है, अब नया प्रोसेस इन्होंने ऐड कर दिया है। अब आपको फॉर्म अप्लाई करते टाइम एक लाइव फोटोग्राफ कैप्चर करना पड़ेगा। यहां पर इन्होंने कहा है लाइव फोटोग्राफ कैप्चर करने का तरीका है कि आप कंप्यूटर पे वेबकैम के थ्रू कर सकते हैं, लैपटॉप के थ्रू या फिर एंड्रॉइड डिवाइस से भी लाइव फोटोग्राफ कैप्चर कर सकते हैं। लास्ट जितने भी अब तक फॉर्म अप्लाई किए गए हैं ना, चाहे वो CPO का हो, Phase 12 का हो, JEE का हो, सभी लोगों को लाइव फोटोग्राफ कैप्चर करने में बड़ी प्रॉब्लम आ रही थी, काफी सारे लोग नहीं कर पा रहे थे। ठीक है, इसका सबसे बेटर सॉल्यूशन निकाला है SSC ने एक अपनी एप्लीकेशन भी लॉन्च करी थी, MySSC। इस एप्लीकेशन को डाउनलोड करिए एंड्रॉइड या फिर iOS डिवाइस पर। ठीक है, डाउनलोड करने के बाद आपको अपना रजिस्ट्रेशन नंबर भरना है, पासवर्ड भरने के बाद आपको लॉगिन कर लेना है। जो जो फॉर्म फिलहाल अप्लाई किए जा रहे होंगे आपके सामने दिख जाएंगे। पहले आप वेबसाइट के ऊपर फॉर्म अप्लाई करिएगा। ठीक है, फोटो कैप्चर, लाइव फोटो कैप्चर आप अपने मोबाइल फोन से इस एप्लीकेशन में जाकर कर सकते हैं, कुछ नहीं करना। वहां पर ये बना हुआ है कैमरे जैसा निशान, वहां पे जाके आपको अपना फोटो लेना है फ्रंट का। ठीक है, कैसे लेना है, फाइंड अ प्लेस विद गुड लाइट एंड प्लेन बैकग्राउंड। ध्यान रखिएगा, एक ऐसी जगह पे बैठ जाइए जहां पर लाइट अच्छी हो और प्लेन बैकग्राउंड हो, पीछे कुछ और ना हो। Ensure the camera is at eye level before taking the photo. Position yourself directly in front of webcam and look straight ahead. Candidates should not wear a cap, mask or glasses, spectacles while taking a live photo. तो live photo में कोई mask आपको नहीं पहनना है, कोई cap नहीं पहननी है, कोई spectacle चश्मा वगैरह आपको नहीं पहनना है। Simple white या फिर plain background के सामने आपको photo लेना है। ठीक है, live photograph अपने mobile phone में कैप्चर कर सकते हो माई SSC वेबसाइट पे के ऊपर जाकर। ठीक है, जो भी फॉर्म, जैसे SSC CHSL के फॉर्म आएंगे ना, ये जो आपको स्क्रीन के ऊपर दिख रहा है इसकी जगह SSC CHSL आपको दिख जाएगा, फिर कैमरे का निशान बनेगा, वहां से आप लाइव फोटोग्राफ इजीली अपलोड कर दो। ज्यादा आपको कुछ भी नहीं करना, साइज रिसाइज करने के चक्कर में नहीं पड़ना। ठीक है, तो ये सबसे इंपॉर्टेंट है, क्योंकि काफी सारे लोगों ने बड़ी बड़ी गलतियां कर दी है पिछले फॉर्म में, चाहे वन टाइम रजिस्ट्रेशन में हो, पुराना वन टाइम रजिस्ट्रेशन लेके बैठे हैं और नई वेबसाइट के ऊपर उसको लगाने की कोशिश कर रहे हैं जो कि नहीं चल रहा है। कुछ लोग लाइव फोटोग्राफ में गड़बड़ कर रहे हैं, गलती कर रहे हैं, पीछे कुछ और बैकग्राउंड आ रहा है और उसको अपलोड करने की कोशिश कर रहे हैं, तो ऐसे फॉर्म आपके रिजेक्ट होंगे। तो इन चीजों का ध्यान रखना है। SSC ने इसलिए ही नोटिस डाला है कि भाई वो फॉर्म तो थे छोटे, जहां पर बहुत ही कम लोग फॉर्म अप्लाई करते हैं। CHSL का क्रेज अलग है, इसका क्रेज ऐसा है कि अगर वैकेंसी ठीक ठाक आ गई ना, 40 से 50 लाख फॉर्म कहीं भी नहीं गए। ठीक है, 40 से 50 लाख कैंडिडेट फॉर्म अप्लाई करेंगे अगर ठीक ठाक वैकेंसी आती है प्रीवियस ईयर के कंपैरिजन में। पिछले साल तो केवल 1211 वैकेंसी थी, अगर इस बार 4.5 आ जाती है ना, तो 40 से 50 लाख फॉर्म अप्लाई होंगे, तो बहुत ही लार्ज नंबर ऑफ में कैंडिडेट्स वेट कर रहे हैं इस रिक्रूटमेंट का, ध्यान रखिएगा। तो भाई वैकेंसी आपकी आ रही है, चिंता मत करिए, ज्यादा से ज्यादा 15 दिन अब से आपके लगेंगे। ठीक है, 15 दिन के अंदर अंदर वैकेंसी लाइव हो जाएगी, नोटिफिकेशन आ जाएगा, फॉर्म अप्लाई करना स्टार्ट हो जाएंगे। ऐसा नहीं है कि वैकेंसी पोस्टपोन्ड हो गई, अब इसको आने में 1 महीना 2 महीने का टाइम लगेगा, इसी महीने के अंदर आपको CHSL का नोटिफिकेशन दिख जाएगा। और वैसे भी पैरेलल रिक्रूटमेंट चली हुई है, जूनियर इंजीनियर की रिक्रूटमेंट चली हुई है, उसके फॉर्म की लास्ट डेट खत्म होती है, आपको नोटिफिकेशन दिख जाएगा। ठीक है, नई वेबसाइट के ऊपर वन टाइम रजिस्ट्रेशन कर लीजिए, वेट मत करिए। ठीक है, अराउंड 15 दिन यानी कि 15 से 20 अप्रैल के आसपास आपको फॉर्म दिख जाएंगे, चिंता बिल्कुल भी मत करिए, अपनी प्रिपरेशन के ऊपर फोकस करिए। ठीक है, और बाकी सभी 12th पास कैंडिडेट्स इलिजिबल हैं इस वैकेंसी के लिए। 18 से 27 साल एज लिमिट रखी जाती है। एग्जाम आपका वही जून और जुलाई के महीने में कंडक्ट कराया जाएगा वेरियस शिफ्ट के अंदर, तो तैयारी में बिल्कुल भी ढील मत दीजिएगा। बाकी हमारी आपके लिए प्लानिंग बता दूं, देखिए दोस्तों बहुत सारी एग्जाम ओरिएंटेड वीडियो तो लेकर आऊंगा ही, जहां पर स्ट्रेटजी प्रोवाइड करूंगा, टाइम टेबल आपको बताऊंगा कैसे घर बैठे इस एग्जाम को क्रैक कर सकते हो, बेस्ट बुक टॉप स्कोरिंग टॉपिक्स आपके लिए लेकर आऊंगा। साथ ही इस बार प्लानिंग करी है कि 2.5 साल का मैराथन करंट अफेयर्स का आपको प्रोवाइड करूं, जल्दी ही मैराथन लाइव हो जाएगी, एक ही मैराथन रहेगी 12-13 घंटे की, 2.5 साल का करंट अफेयर कवर कर लेंगे स्पेशल
यूपीएससी एग्जाम के लिए रहेगी, साथ ही वोकैबुलरी का भी एक मोस्ट इंपोर्टेंट एग्जाम ओरिएंटेड मैराथन हम कवर करेंगे, साथ ही इंग्लिश ग्रामर का भी एक मैराथन कंडक्ट कराएंगे, स्टैटिक जीके का भी एक मैराथन हम आपको प्रोवाइड कराने वाला हूं। तो इस बार थोड़ा ज्यादा फोकस सीएचएसएल के एग्जाम के ऊपर करेंगे। अगर आपको सीएचएसएल फोड़ना है ना तो अभी चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, क्योंकि प्रीवियस रिकॉर्ड आपने हमारा देखा ही हुआ है, ठीक है। कितना इंपोर्टेंट मटेरियल और स्टडी मटेरियल भी पीडीएफ फॉर्म में आपको जल्दी ही प्रोवाइड कराने वाले ई बुक के फॉर्म में, तो वेट करिए थोड़ा सा। तो चलिए दोस्तों, बेचैन बिल्कुल भी मत होइए, माइंड को डाइवर्ट मत करिए। एसएससी के साथ अक्सर ऐसा होता रहता है, फॉर्म अप्लाई करने में 15-20 दिन लेट हो जाता है, बाकी वैकेंसी आपकी आ रही है, बेचैन मत होइए, ठीक है। तो चलिए इस वीडियो में इतना ही था। अगर आपको बाकी ये नोटिस मैंने टेलीग्राम चैनल में डाल दिया है, और ये 2 तारीख से पहले ही आ गया था, 2 तारीख को फॉर्म स्टार्ट होने वाले थे, उससे पहले 1 तारीख को शाम को ही ये नोटिस एसएससी ने वेबसाइट के ऊपर डाल दिया था। मैंने सोचा आपको पता होगा, लेकिन काफी सारे लोग को नहीं पता, इसलिए ये वीडियो मैंने बना दी। चलिए दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही था। पसंद आई हो लाइक करिएगा, दोस्तों के साथ शेयर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते अगली वीडियो में बहुत ही जल्द, तब तक के लिए जय हिंद।